प्रिय विद्यार्थियों, RCI की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने जो थ्योरी पढ़ी उसके बाद उसका एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चंस को करेंगे, और 13.3 के होने के बाद आपको मैं 3D पढ़ाऊंगा, क्योंकि जो 13.4 और 5 है वो CBSE के सिलेबस में या NCERT में रिड्यूस हुई है, तो उनको हम जब हमारा सिलेबस दोबारा से बनेगा उस टाइम हम देखेंगे कि हमारा वो रिड्यूस होता है या नहीं होता है। तो आप देखिएगा, सदिशों दिस्वन तथा दिस्वन के लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान से, ध्यान देना, हमने माना कि पहले को हमने क्या बोल दिया, i माइनस 2j और प्लस k। आप कैप लगाते रहना, है ना, मैं नहीं लगा रहा इनके। और a वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर क्या होगा, 2i प्लस j माइनस 3k। अब देखो, a वेक्टर तथा बी वेक्टर के लंबवत इकाई सदिश क्या होता है, एन कैप पढ़ा दिया, बोला था ना ए और बी के लंबवत इकाई सदिश एन कैप है, और ए और बी के लंबवत सदिश बोले तो ए क्रॉस बी है, है ना। तो एन कैप क्या फॉर्मूला बना था, ए क्रॉस बी और अपोन में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो गया। अब आप इसको नंबर 1 बोल दो। अब देखिए, बड़ा इजी है, ए क्रॉस बी लास्ट क्लास में पढ़ाया था, आई जे के और क्या होगा, 1 माइनस 2 1 2 1 माइनस 3 हो गया। आप इसे सोल्व कर लो। देखो ये ऐसे कैसा सोल्व होगा, आप अपने मन में आई जे के को देखिए, ये था आई जे के और ये, ठीक है, आप अपने मन में इसे x, इसे y और इसे z ऐसा जूम कर लो और इसको सोल्व करो। सोल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, 5i प्लस 5j प्लस 5k, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखो बच्चों, ध्यान से, इतना हो गया ना, उसके बाद देखो, अब ए क्रॉस बी आपके पास ये आया, नाउ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो गया आपके पास 5a प्लस 5j प्लस 5k, और इसका क्या कर दो, मैग्नीट्यूड लगा दो, तो क्या आएगा, रूट का 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 25 25 क्या बन गया, 125 क्या हो गया, 5 रूट 5 कंप्लीट। अब ए क्रॉस बी तथा मापांक में ए क्रॉस बी का मान 1 में रखने पर बोलो क्या आएगा, एन कैप इक्वल टू ए क्रॉस बी क्या है, 5i प्लस 5j प्लस 5k अपोन में 5 स्क्वायर रूट 5, ध्यान देना 5 कॉमन ले लो, i प्लस j प्लस k अपोन 5 अंडर रूट 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, i प्लस j प्लस k अपोन अंडर रूट 5। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आज इसे आप नोट करिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो देखिए, सदिश ए वेक्टर तथा बी वेक्टर के लिए सिद्ध करो दिस वन। गौर करना, मैं इसका LHS पार्ट लेता हूं, हमें सिद्ध करना है, LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए। देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का यू स्क्वायर है, और मैंने आपको बताया था कि आप ए ये है तो इसको आप ए सदिश का स्क्वायर यू लिख सकते हो, एक ही बात है, तो इसको क्या लिखोगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश का स्क्वायर, सही है। अरे भाई, स्क्वायर करते हैं तो इसका मैग्नीट्यूड बना देते हैं। उसके बाद देखो इसको क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला आपको आता होगा, ए बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्यों, देखो ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी और साइन थीटा। अब इसे सोल्व करो,
ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और क्या आ गया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। इसे आप देखो ध्यान से, देखिए ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कंप्लीट। उसके बाद देख लीजिए येलो स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर और माइनस का, देखो ना साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो, वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और क्या आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और उसके बाद में कोस स्क्वायर थीटा। देखो आप ध्यान से, ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस, ये ध्यान दो ए वेक्टर, इसको आप ऐसा लिखो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, और इसका भी क्या कर दो स्क्वायर, सही है ना। अब देखो ए वेक्टर का स्क्वायर बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस में क्या आएगा बोलो, ए डॉट बी और उसका क्या कर दो स्क्वायर, क्लियर है। ये आपके पास आया है एलएचएस को सोल्व करने पर, ये एलएचएस आ गया है सोल्व करने पे। अब मैं आरएचएस लेता हूं, अब आरएचएस को देखिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा तो अब आरएचएस को देख लो। ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता रहता है। ये है थर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 है, वो इससे भी अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है, शायद ये 2013 में भी आया है। देखिए आरएचएस ध्यान देना, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये लो। अब देखो आपको इतना तो पता ही है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या आएगा, दिस वन का स्क्वायर, और बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या आएगा, दिस वन का स्क्वायर, बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो बच्चों ध्यान देना, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, सही है कि नहीं है। उसके बाद देख लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, अरे ये तो डिटरमिनेंट है, हो गया। और माइनस में क्या होगा, ये माइनस, और इन दोनों को करोगे तो क्या आएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर, क्लियर। देखो ये और ये इक्वल है कि नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम अबव एलएचएस इक्वल टू में आरएचएस, ये हो गया आपका हैंड्स प्रूव्ड। आज के लिए इतना ही।